सो हेलो एंड वेलकम गाइस आज जो वीडियो होने वाली है ना वो होने वाली है उन सभी यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए भी जो कि अभी नया नया जी टी फाइव खेलना स्टार्ट किया है और भाई अब मोडिंग के साथ है ना बहुत इंटरेस्टिंग कुछ क्रिएट करना चाहते हो वैसा नहीं जैसा कि अभी ये कुत्ता कर रहा है बट वैसा जैसा कि बड़े यूट्यूबर्स करते हैं जैसे कि मेगा रैम की ट्रेस uh, वीडियो उन्होंने बना दी मेगा रैम से लेम्बो के नीचे उतारे तो कैसा लगता है एंड ऑल दैट जैसे कि ये वाली वीडियो या फिर ये वाली या फिर ऐसी वाली और या फिर ये वाली भाई ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है तो भाई ऐसी वाली वीडियोस ये भाई बहुत अच्छी क्रिएट करता है लेकिन सबके मन में ये ख्याल आता है भाई ऐसी वीडियोस हम लोग कैसे क्रिएट करें तो भाई आज मैं जो वीडियो बना बनाने जा रहा हूँ ये इसी के बेस पे होने वाली है कि आप भी सेम वीडियोस कैसे क्रिएट कर सकते हो कौन सी लोकेशन आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी मैंने एक लोकेशन चूज़ की है एयरपोर्ट की और वहाँ पर जाने के लिए भी मैं ड्राइव करके नहीं वे पॉइंट वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा मेन्यू ट्रेनर में भाई वे पॉइंट पर क्लिक करते ही मैं पहुँच जाऊँ एयरपोर्ट पर तो भाई आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैं ऐसी कौन सी रेस क्रिएट करने वाला है रैम्प क्रिएट करने वाला जो कि देखने में बहुत गजब का लगने वाला है और बिल्कुल ऐसे लगे जैसे किसी प्रोफेशनल ने बनाया हो तो भाई फ़िलहाल हमें एंड पॉइंट पर जाना है वहाँ पर जाने के लिए मैंने बर्न मोड ऑन कर दिया है साथ में सुपर रन और सुपर जंप भी ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है जहाँ से हम लोग रेस स्टार्ट करेंगे या फिर जंप स्टार्ट करेंगे मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ कोई पूरा एयरपोर्ट का जो एरिया नहीं इतना खाली रहता है इतनी साफ़ सुथरी लोकेशन आपको पूरे सिटी में कहीं नहीं मिलेगी तो ये बेस्ट लोकेशन होने वाली है हमारी मूडिंग के लिए और आज जो वीडियो हम लोग क्रिएट करने वाले हैं अगर आप लोगों को मैं बताऊं कि मैं आज क्या क्रिएट करने वाला हूं और किस चीज़ की टिप्स देने वाला हूं तो भाई आपने ना ये वाली वीडियो ज़रूर देखी होगी ये गोस्ट राइडर की वीडियो है जो कि वो जंप करता है चलते हुए हेलीकॉप्टर्स के ऊपर और भाई ये सीन इतना ज़बरदस्त था ना जिसने सबका दिल जीत लिया था ऐसी ही वीडियो एग्जैक्ट सेम सेटअप आप जी टी ए फाइव में क्रिएट कर सकते हो अपने हाथों से वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे कर सकते हो तो ये हमारा मेन कैरेक्टर हमें हमने, हमने स्पूनर मोड ऑन कर लिया है हम आ गए हैं बिल्कुल आसमान की ऊँचाइयों में ज़मीन से बहुत दूर और भाई मैं वो नहीं हूँ जो गलती से यहाँ पर आया लेकिन भाई अभी हम जाएंगे आ, स्पूनर मोड में और यहाँ पर जाएंगे हम लोग पेडिस्टिन मोड में भाई यहाँ पर नहीं एक रैम्प सेटअप करना है रैम्प मैंने बहुत सारे ऑलरेडी सेव कर रखे हैं फोर्थ रैम्प जो मैंने लिया है ना ये मेरे को बिल्कुल ठीक लग रहा है बिल्कुल सीधा रैम्प है बाकियों को डिलीट कर देते हैं हम लोग ये डिलीट 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 एक रैम्प बच गया भाई जो कि हवा में अभी झूल रहा है इसको जमीन पर लाएंगे पहले तो ज़मीन पर लाने के बाद ये होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल बिकॉज़ ये ना बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है नीचे से बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएगा और भाई इसको बिल्कुल ज़मीन से टच कर देना है ज़मीन के अंदर नहीं घुसाना याद रखना बिकॉज इससे ज़्यादा से ज़्यादा जंप हमें एक्सपेक्ट करना है ये धीरे 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 और नीचे लेके आना है और इसका जो बेस है इसको कर देना है ज़मीन के अंदर बस परफेक्ट अब ये कहीं से टकराएगा नहीं हमारी स्पीड धीरे नहीं करेगा या फिर कुछ भी अब इसको ले आते हैं मिडल में या आपको लेफ्ट साइड में सेटअप दिख रहे हैं आपको खुद फिगर आउट करने पड़ेंगे मेरे बताने से आप लोग नहीं सीखने वाले हो तो भाई एक एक करके सारे फीचर्स चेक करना कि किससे कहाँ जा रहा है लेफ्ट जा रहा है right राइट जा रहा है और इसकी जो सेंसिटिविटी है ना वो स्क्रॉल सेंसिटिव वाले सेंसिटिविटी वाले ऑप्शन में आप जाकर कर सकते हो सेटअप स्पूनर मोड ऑन हो गया है ये मैंने कर दिया है अब मैं स्पून करता हूँ हेलीकॉप्टर्स ये व्हीकल मोड में जा हम लोग कर सकते हैं यही बेसिक हेलीकॉप्टर बस रहेगा पहला हेलीकॉप्टर डन सेकेंड डन तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह भाई फोर्टीन हेलीकॉप्टर्स के बाद हमारा जो सेटअप है ऐसा दिखने वाला है फिफ्टीन सिक्सटीन मैं सोलह हेलीकॉप्टर्स ऐड कर दी और भाई, भाई सेटअप लग रहा है बहुत ही गज़ब का और भाई सोचो जब ये हेलीकॉप्टर्स ऑन होंगे और इसके ऊपर से जंप होगा तो कितना अच्छा विजुअल आने वाला है और सेम चीज़ आप भी क्रिएट कर सकते हो अपनी वीडियो में भाई टोटल ट्वेंटी हेलीकॉप्टर्स मैंने ऐड कर दिए हैं और फिर भी हमारा बहुत बड़ा स्पेस आगे बचा हुआ है जिसके बाद अगर हम जंप करेंगे तो आगे तक हम लोग जा सकते हैं एक हेलीकॉप्टर मैंने ऑन कर दिया है कैसे किया मैं आपको बताता हूँ तो? हमें जाना है सेकेंड हेलीकॉप्टर पर इसके अंदर हम लोग जाएंगे मैनेज मैनेज एंटिटीज़ के अंदर व्हीकल के अंदर और भाई यहाँ पर एक नया टास्क ऐड कर देना है टास्क के अंदर हम लोग ऐड करेंगे इसकी अचीव व्हीकल स्पीड व्हीकल स्पीड के अंदर हम लोग सेकेंड सेट करेंगे व्हीकल स्पीड को कर देंगे जीरो पर ये उड़ता हुआ चला जाएगा भाई भाई ये ऑन तो नहीं हुआ स्टेटस ऑन कर दिया मैंने ऑन ग्राउंड ओनली को चेंज कर ये ऑन क्यों नहीं हुआ भाई ऑन करने के लिए हमें आई थिंक ऑन ग्राउंड ओनली करना पड़ेगा इसका डन ऑन ग्राउंड ओनली जैसे ऑन ऑफ करके देखा ये ऑन हो गया है। भाई इसी तरीके से हमारे सारे का हेलीकॉप्टर आप ऑन कर सकते हो लेकिन इसमें एक लफड़ा और आने वाला है जो मैं अभी आपको बताऊंगा व्हीकल टॉप स्पीड अचीव करने के लिए मैंने इसमें मेंशन कर दिया है ड्यूरेशन ज़ीरो पॉइंट फाइव या जीरो व्हीकल स्पीड जीरो कर देते हैं और भाई इसको कर देते हैं ऑन ऑफ़ और भाई ये आपस में इनकी पगड़ियाँ टकराने लगी हैं और भाई खट 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 की आवाज़ आने इसको बंद कर देता हैं वरना फट जाएंगे हेलीकॉप्टर ये और हमारा गेम पूरा सेटअप धरा का धरा रह जाएगा तो इसी तरीके से अगर आपको ऐसा कुछ इशू नज़र आता तो सरकार ने की जगह पर हम बीच बीच में से एक एक हेलीकॉप्टर डिलीट मार देते हैं सो दैट हमारा जो स्पेस है वो भी कम हो जाएगा और हमारा बाकी सेटअप भी रेडी हो जाएगा आई होप आप समझ गए हो कि ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ आपसे भी होंगी मुझसे भी हो रही हैं तो आई होप आप समझ सकते हो और ये यहाँ से बीच बीच में से एक एक हेलीकॉप्टर डिलीट कर दो आपका सेटअप बिल्कुल क्लियर है और अब आपकी पंगड़ियाँ नहीं टकरी फिर भी सेटअप आपका बहुत प्यारा दिखने वाला है सो गैज़ इतनी मेहनत लगा कर ये वीडियो बनाई है एक सब्सक्राइबर ज़रूर चाहिएगा मुझे आपसे आपका हर एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है और भाई अब आ गए हम लोग अपने मेन कैरेक्टर पे अब हम करेंगे स्पॉन अपना बाइक सुपर बाइक्स ज़्यादातर लेना क्योंकि सुपर बाइक्स ही ज़्यादा अच्छे से आ, काम करेंगी ये हमारी पहली बाइक और भाई अब हम उड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और भाई हम चल पड़े हैं अपनी पहली रफ्तार पे और भाई डायरेक्शन गलत दे दिया इसने कूदते टाइम ये थोड़ा सा लेफ्ट मुड़ गया बट काफ़ी अच्छी जंप मारी है दोबारा ट्राई करेंगे और भाई ये है बिल्कुल सीधा जंप और भाई इसके बाद है ना एक दो तीन चार चार हेलीकॉप्टर बचे थे जिसमें से हमने आधे डिलीट कर दिए मीन्स हमने बारह हेलीकॉप्टर पार कर दिए हैं और हमारे आठ हेलीकॉप्टर बच गए थे तो, तो हेलीकॉप्टर हमने बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं या फिर रैंप हमने छोटा चूज़ किया है तो भाई इस तरीके से आप बहुत सारे रैंप वगैरह चूज़ करके बाकी चीज़ें करके बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बना सकते हो और भाई व्यूज छाप सकते हो बिकॉज ऐसी ही वीडियोज़ है ना ज़्यादातर देखी जाती हैं सो so, <coughs> ये है वही बाइक जो कि होस्ट राइडर में यूज़ की गई थी स्पोर्ट्स बाइक है पर इसका जंप भी उतना ही है जितना कि बाकी बाइक्स का था तो बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं निकला सुपर रन के साथ हम लोग पहुँचेंगे वापस स्टार्ट पॉइंट पे अब यहाँ पर लेंगे एक और व्हीकल थर्ड व्हीकल देंगे भाई इसमें लेंगे एक सुपर बाइक भाई ये बहुत ही तगड़ी स्पोर्ट्स बाइक है पीछे से हम लोग जा रहे हैं और भाई साहब ये बहुत ही तगड़ा जंप था लेकिन जंप हर किसी का ऑलमोस्ट सिक्स वाले हेलीकॉप्टर के पास ही हो रहा है भाई ये अगर आप स्टार्ट करोगे ना अपना लाइक बूस्ट के साथ तो एक तो कंट्रोल करना मुश्किल होगा ऊपर से भाई इसका जंप बहुत तगड़ा होने वाला है शायद आप संभाल भी ना पाओ जैसे कि साइड से निकल गया फिर भी वो अच्छी हेलीकॉप्टर तक ही आया अगर आप संभाल के जंप करोगे आप बहुत आराम से पार कर सकते हो फ्लाई मोड भी है जिसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बिकॉज ये वीडियो हमारी होने वाली इसे मोडिंग के ऊपर और भाई मेरे हिसाब से तो आई थिंक मैंने आपको काफ़ी कुछ अच्छी इन्फॉमेसन दे दी है अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे और भाई इन्फॉर्मेटिव सच में लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को कर देना लाइक और कमेंट करके बताना कि आपको इस पार्ट में से कोई पार्ट समझ में नहीं आया हो तो या फिर अगर आपको कुछ नया वीडियो चाहिए हो किसी टॉपिक पे तो और भाई ये है बहुत ही शानदार जंप इस बाइक के साथ इसमें से फ्लाई फ्लाई मोड बंद था और भाई ये है हमारा लास्ट जंप सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय